I don't want riddles. Lol. हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है नमस्ते फ्रॉम जापान। तो आज का वेदर यहाँ बहुत अच्छा है और सडनली हमारा प्लान हुआ फ्रेंड्स लोग के साथ कि चलो आज लंच बाहर करके आते हैं। तो हम जा रहे हैं मुंबई पैलेस रेस्टोरेंट जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे अपने खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर चाइनीज़ फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड के बहुत ऑप्शंस रहते हैं। तो आज मैं अपने चैनल में आपको इंडियन रेस्टोरेंट का टूर कराऊंगी कि जापान में इंडियन रेस्टोरेंट कितने बड़े रहते हैं, अंदर से कितना स्पेस रहता है उनमें, अंदर का इंटीरियर कैसा रहता है, वहाँ पे मेन्यू कैसे रहते हैं, कौन सा खाना मिलता है। तो चलिए आज एक प्रॉपर टूर करते हैं इंडियन रेस्टोरेंट का। तो आज हम 3 फैमिलीज साथ में जा रहे हैं जिसमें है नवजीत भैया की फैमिली, सिद्धू भैया की फैमिली और हमारी फैमिली, सुनील भैया की फैमिली, मतलब सुनील भैया, स्मिता और आयशी इसमें मिसिंग है क्योंकि उनका बेबी छोटा है इसलिए वो नहीं आ पाए, बट नेक्स्ट ट्रिप में श्योरली वो ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे जापनीज़ भी इंडियन फूड को बहुत पसंद करते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। फिर आप कभी भी किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको हमेशा कोई ना कोई जापनीज़ कस्टमर ज़रूर दिखता है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मुंबई पैलेस रेस्टोरेंट और यहाँ पे लंच मेन्यू अलग रहता है, डिनर मेन्यू अलग रहता है। डिनर में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और लंच में ऑप्शंस थोड़े कम रहते हैं। इस रेस्टोरेंट में स्टार्टर के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, वो चाइनीज़ में हो या फिर ऐसे नॉर्मल में समोसा, वड़ा या पकौड़े, तो स्टार्टर के ऑप्शंस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं कंपेरेटिव दूसरे रेस्टोरेंट जो मेरे एरिया में आते हैं या मेरे घर के आसपास में जो हैं उनमें से, इसमें ऑप्शन ज़्यादा रहता है। इस रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों के ऑप्शन रहते हैं और यहाँ पे अगर आप कोई करी या कोई भी आप मेन्यू में से कोई भी डिश आप सिलेक्ट करके उनको ऑर्डर देते हैं तो वो सबसे पहले आपसे स्पाइसी लेवल पूछते हैं, क्योंकि जापनीज़ भी इंडियन रेस्टोरेंट में आते हैं, बहुत शौक से खाते हैं वो इंडियन फूड, उनके लिए वो लोग बहुत माइल्ड रखते हैं स्पाइसीनेस, इसलिए वो पहले पूछते हैं आपसे कि आपको कितना चाहिए स्पाइसी लेवल, तो वो आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करके आपको फूड सर्व करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम रेस्टोरेंट के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है ये रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम रहता है तो यहाँ के रेस्टोरेंट जनरली इतने या इससे कम भी रहते हैं, इससे ज़्यादा बहुत कम रहते हैं ऐसे रेस्टोरेंट जो स्पेस में इनसे ज़्यादा हो, पर हाँ ये रेस्टोरेंट थोड़ा स्पेशियस है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टर में ऑर्डर किया था चिली पनीर, वेज मंचूरियन और चिली वेज मंचूरियन, तो लग रहा है ना यमी। हाँ, ये देखने में भी बहुत यमी है और खाने में भी बहुत यमी था। और मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया था गार्लिक नान और मेथी मटर मलाई और नूडल्स भी ऑर्डर किया था हमने, वेज हाका नूडल्स।
का जमाना है, लड़के लोग अभी रेशियो कम हो रहा है, अभी लड़कों का जमाना नहीं है। तो लंच होने के बाद हम निकल गए हैं वापस घर के लिए, और ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस है बिकॉज़ यहाँ पे मेन्यू पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, और स्पेशली यहाँ का चाइनीज़ फूड बहुत यमी है और बहुत फेमस है, इसलिए भी लोग थोड़ा दूर दूर से आते हैं इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया आज। तो आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट कैसे रहते हैं, या कितना स्पेस रहता है उनमें, मेन्यू ऑप्शन कैसे रहते हैं, काउंटर कैसे रहता है, और इंटीरियर यहाँ का कैसा रहता है। तो हर रेस्टोरेंट का अलग अलग रहता है। जैसे मेरे घर के पास में भी एक रेस्टोरेंट है, मैं अगर वहाँ पर जाती हूँ तो मैं ट्राई करूँगी वहाँ पर शूट करने का, आपको और थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो अब मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।